मजा आ गया। Hey YouTube, what's going on? And welcome to the fifth episode of the Prayagraj series. So guys, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जगहों पे जाने वाले हैं घूमने के लिए, बट उसके साथ ही हम प्रयागराज के सबसे फेमस फूड जॉइंट्स या खाने की जगहों को भी चेकआउट करेंगे। सो इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, हाय, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू राज एंड ऐश। सो आइए, लेट्स गो टू द फर्स्ट लोकेशन। गाइस, अभी हम आए हैं टू चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और ट्रस्ट मी इफ़ आई से कि इस पर्टिकुलर लोकेशन की इंडिया की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, देन आई वोंट बी रॉन्ग। तो हमने इसकी टिकट ले ली है, तो इसकी टिकट इज़ अबाउट 5 रुपी पर पर्सन। दिस पार्क इज़ ऑल्सो नोन एज कंपनी पार्क और ये प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। तो ये टोटल 133 एकर्स के अक्रॉस ये पर्टिकुलर पार्क स्प्रेड है। ये पर्टिकुलर पार्क बहुत पुराना है, मतलब दिस वॉज बिल्ट इन द ईयर ऑफ 1870 एंड 1870 में क्वीन विक्टोरिया के फोर्थ चाइल्ड सर अल्फ्रेड आए थे टू इंडिया एंड टू सेलिब्रेट हिज कमिंग टू इंडिया ये पर्टिकुलर पार्क बनाया गया। उस टाइम पे इस पार्क को कहा जाता था अल्फ्रेड पार्क एंड लेटर ऑन दिस गॉट टू बी नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। गाइस, मेरे पीछे है विक्टोरिया मेमोरियल एंड इसको बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1906 जब क्वीन विक्टोरिया आई थी इंडिया। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कैनपी है मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड माना जाता है कि मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया की एक स्टैचू हुआ करता था विच वॉज रिमूव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। चंद्रशेखर तिवारी, पॉपुलरली नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद, वॉज अ फ्रीडम फाइटर बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद ने गांधी जी को इन हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही ज्वाइन गांधी जी व्हेन आज़ाद वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। सो आज़ाद जी की मदर चाहती थी कि आज़ाद शुड बिकम अ फेमस संस्कृत स्कॉलर, बट डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स इन स्टोर। सो हम सब जानते हैं, हम सब ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद, अबाउट द फियरलेस फ्रीडम फाइटर ही वॉज। तो आज़ाद वॉज द मेन लीडिंग फिगर इन द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार एक जज ने, एक मैजिस्ट्रेट ने आज़ाद जी से पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन से उसका आंसर दिया कि माई नेम इज़ आज़ाद मीनिंग फ्री and my father's name is Swatantrata meaning independence and prison या jail is my house address। तो काफ़ी courageous and witty freedom fighter थे आज़ाद with a very good sense of humor। This is चंद्रशेखर आज़ाद जी की sculpture and आइए मैं आपको इसके बारे में, ये मूर्ति यहाँ पर क्यों है इसके बारे में एक interesting story सुनाऊँ। So guys, 27 फरवरी 1931 को इंडिया के CID हेडक्वार्टर्स में किसी ने एक फ़ोन कॉल करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद एंड उसके कुछ साथी इसी पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में बात करते हुए पाए गए हैं। तो उसी वक्त CID के हेड ने अलाहाबाद पुलिस कंपनी को कॉल किया एंड ही सेड कि ही वांट्स ऑल बैकअप इन दिस पर्टिकुलर पार्क एंड ही वांट्स चंद्रशेखर आज़ाद ईदर डेड और अलाइव। सो इट इज़ बिलीव्ड के आज़ाद जी के दो क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स ने उनके अगेंस्ट टिप ऑफ किया था। उनका नाम था वीरभद्र तिवारी एंड यशपाल। इसी पार्क के अंदर देर वॉज अ ह्यूज गन फाइट दैट टुक प्लेस बिटवीन चंद्रशेखर आज़ाद एंड द अलाहाबाद पुलिस एंड काफ़ी एक करेजियस बात है, चंद्रशेखर आज़ाद नेवर वॉन्टेड टू गेट कॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी। उनका एक ही मानना था कि ही वॉन्टेड टू डाई आज़ाद, ही नेवर वॉन्टेड टू गेट कैप्चर्ड अलाइव अंडर द ब्रिटिश राज। तो उन्होंने इसी, मेरे पीछे जो पेड़ है इसी के पीछे
एक लास्ट बुलेट से अपने आप मारते हुए, बिकॉज ही नेवर वॉन्टेड टू गेट कॉट बाय द ब्रिटिश आर्मी अलाइव. इफ़ यू आर इन अलाहाबाद, आपको ज़रूर इस जगह पर आना चाहिए, बिकॉज इट्स समथिंग दैट वी हैव ऑल रेड इन हिस्ट्री बुक्स, एंड यू कैन विटनेस दिस ओवर हेयर इन अलाहाबाद. गाइस, ये मेरे पीछे है अलाहाबाद लाइब्रेरी, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ये काफ़ी पुरानी है, इट वाज मेड इन द ईयर ऑफ 1876. एंड आइए अंदर चलते हैं एंड इसके आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स को थोड़ा पास से देखते हैं. सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्विंग हुई हुई है. सो दिस इज़ वन कार्विंग ऑफ अ पर्सन जो एक कारपेंटर है, ये कारपेंट्री का काम कर रहे हैं. दिस इज़ समवन हु इज़ निटिंग क्लोथ्स. आई थिंक विद टाइम डैमेज हो चुका है, सो द हेड इज़ मिसिंग. खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हल चला रहे हैं. दीज आर बैल. यहाँ पे लोहे का काम हो रहा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग. और ये लाइब्रेरी में बैठ के लोग पढ़ाई कर रहे हैं. सो गाइस, इस एरिया में पहले पानी था, बोटिंग हुआ करती थी. ये देख सकते हैं एक बोट पड़ी है यहाँ पे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे. हर वॉल पे कुछ ना कुछ पोएट्री पोएम. जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जाए दुख सुख से औ सुख दुख से. सो गाइस, यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल एंड चंद्रशेखर आज़ाद की स्टैचू के सिवा एक MiG-21 का डमी भी है, क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो गाइस, अभी हम आए हैं टू संगम एरिया अगेन. तो हम सब सोचते थे कहाँ चलना है, और सैटरडे का दिन था तो सोचा चलो यार आज गंगा जी की आरती देखी जाए. चलिए आइए आरती देखें गंगा किनारे. सो गाइस, अभी हम आए हैं टू श्री आदि शंकर मंडपम टेम्पल. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल है. तो आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं, इसकी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को एक थोड़ा क्लोजर आई से देखते हैं. लेट्स गो. और अगर आपने संगम वाला व्लॉग देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन के जो स्टार्टिंग के सीन्स हैं ड्रोन शॉट्स के, वो इस पर्टिकुलर टेम्पल के हैं. हम उस दिन अंदर नहीं आ पाए थे तो आज हमने स्पेशली टाइम निकाला कि चलो यार आज अंदर चल के इस मंदिर को एक्चुअली देखते हैं, क्योंकि बाहर से ये बहुत सुंदर है.
सो गाइस ये टेंपल में टोटल 2 फ्लोर्स हैं. ऑन द सेकेंड फ्लोर हमारे पास है शंकर जी का मंदिर, फर्स्ट फ्लोर हमारे पास है बालाजी का मंदिर एंड ऑन ग्राउंड फ्लोर वी हैव गणेश जी का मंदिर. गणपति बाप्पा मोरिया. सो गाइस अभी हम आए हैं टू देहाती के रसगुल्ले. नाम में रसगुल्ले हैं बट बेचते गुलाब जामुन हैं. काफ़ी फेमस शॉप है, देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे. दो गुलाब जामुन लिए हैं, काफ़ी बड़े हैं साइज़ में. आइए इस गुलाब जामुन को ट्राई करते हैं. मज़ा आ गया. सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे. कल हमारे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. सो वी वर इन अल्फ्रेड पार्क और द चंद्रशेखर आज़ाद पार्क. हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के पास ड्रोन उड़ा रहे थे एंड फॉर अ स्प्लिट सेकेंड मेरा ध्यान इधर उधर चला गया एंड द ड्रोन एक्चुअली क्रैश्ड इनटू अ पोल. फिन एक प्रोपेलर टूट गया था तो हमने उस प्रोपेलर को रिप्लेस किया. सो टुडे वी आर गोइंग बैक टू चंद्रशेखर आज़ाद पार्क. हम वहाँ पे म्यूज़ियम भी घूमेंगे एंड हम वहाँ पे जहाँ पे क्रैश हुआ था हम फिर से वहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे बिकॉज हम ज़िद्दी हैं. तो लेट्स. सो गाइस हम अब आ गए हैं इनसाइड ऑफ अलाहाबाद म्यूज़ियम एंड यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू टेक फोटोग्राफ्स. तो हमने 100 रुपीज़ दे के ये रिसीट ले लिया. तो यहाँ पे काफ़ी सारे ओल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं फ्रॉम गांधी जी एंड नेहरू जी के टाइम से एंड यहाँ पे वो वाली गन भी है जिससे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी. सो गाइस मेरे पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्कल्पचर है. सो इसको थोड़ा हमने स्टडी किया, इसको थोड़ा ऑब्जर्व किया एंड वी काइंड ऑफ फाउंड आउट कि एक तरफ यहाँ पे राक्षस बैठे हुए हैं एंड एक तरफ वहाँ पे देवता बैठे हुए हैं एंड दिस लेडी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग अमृत. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इट इज़ आई थिंक नोन एज अमृत मंथन, समुद्र मंथन एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्कल्पचर है. सो गाइस ये वही बंदूक है जिससे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शहादत हासिल की थी. ही अटेंड मार्टिरडम आफ्टर ही किल्ड हिमसेल्फ इन अ गन बैटल. सो दिस इज़ दैट सेम गन. दिस इज़ द त्रिमूर्ति स्कल्पचर फ्रॉम द एलिफेंटा केव्स इन महाराष्ट्र. दिस पेंटिंग इज़ फ्रॉम 11th सेंचुरी फ्रॉम खजुराहो. सो ये अशोक पिलर का हेड है फ्रॉम 3rd century BC. मतलब कितना ज़्यादा पुराना है, 11th century AD. सो गाइज यहाँ की टिकट का कॉस्ट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन एंड काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए. लाइक अ लॉट ऑफ रिच हिस्ट्री, लॉट ऑफ रिच स्कल्पचर्स, मॉडर्न पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स. गांधी जी के टाइम का सामान है, नेहरू जी के टाइम का सामान है. तो आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट इफ़ यू आर इन अलाहाबाद. तो गाइस देखिए इतने सारे पुराने स्कल्पचर्स हैं. वाओ. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू आल्सो लाइक सच काइंड ऑफ ओल्ड हेरिटेज थिंग्स. आई तो जस्ट लव देम. मतलब मुझे तो बहुत पसंद है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी एंड if you are liking it please do hit that like button and do consider subscribing.